आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मूड चेंजेस। इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूड को चेंज करने में? एस्पिरिन, नोराड्रेनालिन, लैंसोपेराजोल और ज़िंटैक। ठीक है, तो देखो, जो मूड चेंज में हमारी ड्रग या मेडिकेशंस वर्क करती हैं वो हमारी क्या कौन सी होती हैं? जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रही हैं। ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने से क्या हो रहा है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं वो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, हम उन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, ये मेडिकेशन ट्रीट करती है डिप्रेशन को और किसी भी ब्रेन में एक्टिविटी जो क्या होती है, हमें क्या हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, एंजाइटी, इन सब इमोशंस को टैकल करती है। कैसे करती है? ये रिस्टोर करती है बैलेंस बाय रिस्टोरिंग द बैलेंस किसका, सर्टेन नेचुरल सब्सटेंसेस का, जो क्या होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो क्या होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं फ्रॉम द नर्व्स टू द रिसेप्टर और उसके बाद हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करती है। तो ये क्या करते हैं, एक तो हमारे इम्प्रूव्स द मूड और एक फीलिंग ऑफ वेलबींग इनके वजह से क्या होता है, अराइज होता है। तो ये हमारे इस तरीके से एक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें गिवन है एस्पिरिन, तो आपको पता है एस्पिरिन हमारा क्या होता है, एक बहुत वाइडली यूज हमारा एक एनाल्जेसिक है, जो किसमें यूज होता है, जो यूज किया जाता है टू क्योर एनी टाइप ऑफ बॉडी पेन। तो ये हमारा एनाल्जेसिक है, ये पेन किलर तो होते हैं, तो ये हमारा मूड चेंज में हेल्प नहीं करते। नेक्स्ट मुझे गिवन है नोराड्रेनालिन, तो मैं बात करूँ नोराड्रेनालिन की, इसको हम नॉर्फिन, नोरेपाइन फ्रेन भी बोलते हैं और ये कैटेकॉल फैमिली से बिलोंग करता है, जो हमारे ब्रेन और बॉडी दोनों पे एक्ट करते हैं एज अ हॉर्मोन एंड अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमारा ये क्या होता है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। क्या होता है, जब ये हमारा नोराड्रेनालिन यूज होता है, देखो मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करती हूँ, देखिए, तो इसके कंजप्शन से हमारे बॉडी में क्या होता है, यूफोरिया एक टर्म होती है, जिसके वजह से क्या होता है, फीलिंग ऑफ वेरी हैप्पी, और इसके वजह से क्या होता है, फीलिंग ऑफ वेल बींग और ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मूड चेंज। तो ऐसे ही हमारे जो भी ये बिलोंग करते हैं नोराड्रेनालिन ट्रैंक्विलाइजर फैमिली से, वो हमारे मूड को चेंज करते हैं। नेक्स्ट गिवन है हमें लैंसोपेराजोल, तो ये हमारा एक मेडिकेशन है जो यूज किया जाता है टू रिमूव एक्सेस ऑफ एसिड या एसिड की कंसेंट्रेशन को कम करता है। तो मतलब ये क्या हुआ, एंटा एसिड, एसिड को अपोज करते हैं और पीएच को मेंटेन करते हैं। सॉरी, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे लैंसोपेराजोल की, नोराड्रेनालिन की हमने नीचे करी, ये है हमारी लैंसोपेराजोल की। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एंटा एसिड जो स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड को कम करते हैं। और लास्ट हमें क्या गिवन है, ज़िंटैक, तो क्या होता है ये ज़िंटैक, दिस इज नॉट ज़िंटैक, दिस इज ज़िंटैक, ZANTAC। तो ये क्या करता है, ज़िंटैक ये हमारे क्या करता है, प्रोड्यूस होता है ये भी क्या करता है, हमारे स्टमक में जो एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं उसको रिड्यूस करता है और जिसके वजह से अल्सर्स हो जाते हैं, तो अल्सर्स को क्योर करने में हेल्प करता है। तो जो मूड चेंज में अफेक्टिव है वो कौन सा है, हमारा नोराड्रेनालिन। तो मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट डी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।